हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि पैनल के पीसीबी के ऊपर जितने भी आईसी लगे रहता है उस सारे आईसीज के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो आप लोग का जानकारी लेना चाहते हो सारे आईसीज के बारे में तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, मेरे पास दो अलग अलग टाइप का पैनल है, जिसमें एक बड़ा वाला पैनल है और एक छोटा वाला, जिसके अलग अलग जो पीसीबी है वो दोनों का अलग अलग है। लेकिन एक पीसीबी के ऊपर आप सिर्फ देख सकते हो कि दो आईसी लगी हुई है, लेकिन और एक जो हमारे पास पैनल है उसके ऊपर चार आईसी लगी हुई है। तो इसके आईसी का जो वर्किंग प्रोसेस है मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बड़ा वाला, अगर इस पैनल की हम बात करें, इस पैनल का नंबर भी आप यहां पे देख सकते हो कि AU15007। तो इस आईसी मतलब यहां पे दो आईसी लगा हुआ है, एक तो DC to DC आईसी है और एक पावर आईसी है। तो जो लोग टेक्नीशियन फील्ड में काम कर रहे हो बहुत दिन से, तो उन लोगों को पता ही होगा कि पैनल के अंदर यानी कि पैनल के पीसीबी में DC to DC जो आईसी होता है वो कंपलसरी मस्ट रहना ही चाहिए, नहीं तो हमारा जो पैनल काम नहीं करेगा। क्योंकि इसका काम यही होता है कि पैनल के ऊपर जो हमारा कॉमन वोल्टेजेस होता है, जैसे कि हो गया BGL, BGH, ABDD, BDD, BCOM, ये जो सारे वोल्टेजेस है इसका जो प्रोवाइड कराता है वो DC to DC IC से ही हमारा जो सारे वोल्टेज है बनती है। तो इस DC to DC IC के बारे में मैं पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि इसका जो प्रोटेक्शन पिन कैसे इनेबल करे, अगर किस टाइम पे ये DC to DC IC प्रोटेक्शन मोड पे चला जाता है और उसको कैसे हम इनेबल करें। तो इनके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो ये हो गया हमारा DC to DC IC के बारे में जानकारी की जो बेसिक सा जो वोल्टेजेस होता है सभी लोगों को पता ही होगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि BDD, ABDD, BGL, BGH और ये जो गामा आईसी है वो गामा जो वोल्टेज है वो सारे किसी पैनल में गामा वोल्टेज के लिए अलग आईसी दिया रहता है। लेकिन इस पैनल के अंदर क्या किया है कि अलग अलग रजिस्टर यूज़ कर दिया है आईसी के जगह, और वो जो कंट्रोल होता है ये हमारा पावर आईसी और ये DC to DC IC के ज़रिए। तो ये हो गया हमारा DC to DC IC का जानकारी। तो आप बढ़िए थे गाइस, पावर आईसी का क्या काम है पैनल के अंदर। तो देखिए गाइस, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सिग्नल हमारे पैनल के अंदर जब आते हैं मदरबोर्ड से, तब कुछ सिग्नल वीक आती है, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा नहीं होता है, जिसके वजह से उसका जो एक्चुअल सिग्नल है इस पैनल के अंदर नहीं पहुंचता है। तो उस सिचुएशन में ये जो पावर आईसी का काम होता है कि वो जो सिग्नल्स है वो सिग्नल्स को फिल्टर करके एक्चुअल जो सिग्नल है उसको पैनल में प्रोवाइड कराना, ताकि हमारा पिक्चर में बहुत ही क्लियरिटी आए और इसका जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है। तो ये रहा हमारा पावर आईसी का कुछ जानकारी और DC to DC IC का जानकारी। तो अब आप बारी आते हैं कि गाइस ईपी रोम का जो आईसी होता है, देखिए ईपी रोम का जो आईसी है सारे पैनल में कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पैनल बना होता है उसमें क्या होता है कि उसके अंदर ईपी रोम आईसी लगा रहता है। तो जैसे कि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे EP-ROM IC एक लगा हुआ है, ये देख सकते हो इस पैनल के अंदर। तो इस पैनल के अंदर भी एक पावर आईसी है और एक DC to DC IC है और एक यहाँ पे EP-ROM IC लगा हुआ है, क्योंकि ये जो पैनल है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। ये जो छोटा सा पैनल आप देख रहे होंगे इसके अंदर ही हमारा जो बैकलाइट है LED बैकलाइट है वो सारे कुछ और इसके अंदर लगा हुआ है, और एक क्योंकि ये एक Full HD पैनल है इतना छोटा, फिर भी क्योंकि इसका जो कंपोनेंट्स आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कंपोनेंट्स लगी हुई है, तो इसलिए क्या हुआ है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बनाने की वजह से इसके अंदर ईपी जो रोम आईसी है उसको अलग से दिया गया है, लेकिन इसके अंदर अलग से नहीं दिया गया है क्योंकि ये पुराना ज़माने का पैनल है जिसके अंदर हमें EP-ROM IC का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि EP-ROM IC का जो काम है वो इसके अंदर नहीं दिया गया है। तो आई थिंक गाइस आपको आईसी के बारे में पता चल गया होगा कि पैनल के अंदर कौन कौन सा आईसी रहता है। और जैसे कि आप लोगों को बताया कि DC to DC IC जब प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है, क्यों चला जाता है, अगर उसको प्रोटेक्शन मोड में कैसे आपको
मतलब इनेबल करना है, इसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मैं बहुत ही जल्द इसके ऊपर आपको लिए वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो।